प्रेगनेंसी एंड एनी सीजन. सो मेनी गर्ल्स कीप आस्किंग मी कि मुझे सर्दी हो रहा है, मुझे खांसी हो रहा है, घर वाले घर के बाहर नहीं जाने देते, कफ जैसा टेंडेंसी लग रहा है. तो एक्चुअली रेनी सीजन में किसी भी प्रेग्नेंट लड़की ने खुद का क्या ख्याल रखना चाहिए, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू टॉक. इजंट इट अमेजिंग बारिश में छाता लेके खड़े रह के ये वीडियो करना. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. तो कुछ बहुत सिंपल सिंपल और बेसिक चीज़ है. मदर्स प्लीज टेक केयर ऑफ योर वाटर इनटेक. पानी बहुत ज़्यादा पियो. गर्मी के सीजन में प्यास लगती है इसलिए पानी पिया जाता है. बारिश के सीजन में एज सच प्यास नहीं लगती बिकॉज गर्मी बहुत नहीं हो रही है. आपको याद रख के पानी पीना है. यू मस्ट मेक श्योर कि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे. आपका BMR रहा है इसलिए आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर रहा है, इसलिए गर्मी बहुत होती है, अंदर पसीना बहुत होता है, डिहाइड्रेशन होने का पॉसिबिलिटी होता है. इसीलिए आप लोग पानी बहुत ज़्यादा पियो. कोई भी पानी चलेगा नहीं. प्रिफरेबली हैव एन फिल्टर्ड वाटर. अगर फिल्टर नहीं है आपके घर में तो आप रेगुलर पानी उबाल के उसको ठंडा करके वो ले सकते हो, या तो फिर मिनरल वाटर. प्लीज़ पानी बॉइल करके या फिल्टर के प्रोसेस से हुआ हुआ पानी यूज़ करो ताकि वो डिसइंफेक्टेंट रहे. सेकेंड थिंग, खुद को मॉस्किटो से दूर रखो. बारिश बड़ा खूबसूरत होता है. आई ऑलवेज टेल, ये पूरे नेचर को नहला देता है. इफ आई रिमूव द अम्ब्रेला चेक नेचर बिहाइंड मी. एक्चुअली बारिश सब चीज़ों को नहला के साफ सुथरा कर देता है. नेचर आई डिट स्पीक बट उसके साथ ही इधर पानी उधर पानी, पानी जमा होता है कहीं पे, पौंड में जमा होता है, उसके ऊपर मच्छर हो जाते हैं. सो मॉस्किटो रिलेटेड, वायरसेस रिलेटेड, ऐसी सारी डिसीज बीमारियाँ, देन ऐसी चीप बीमारियाँ जो एक दूसरे से फैलती है, सर्दी खांसी कफ कोल्ड, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी कॉमन. मॉस्किटो से बचिए. बहुत ज़्यादा मच्छर आसपास होते हैं तो आप मच्छर से बचने के लिए जो भी रेमेडी यूज़ कर सकते हो, प्रीफरेबली नेचुरल रेमेडीज, बट अगर नहीं पॉसिबल होता है तो आप लोग ओडोमास लगा सकते हो. ओडोमास इज नॉट द ब्रांड दैट आई एम प्रमोटिंग थ्रू दिस वीडियो, बट आई हैव पर्सनली यूज ओडोमास, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू. अगर कोई और ब्रांड आपको अच्छा लगता है जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स बहुत अच्छे, यू कैन यूज़ दैट, यू कैन यूज़ पैचेस, यू कैन यूज़ स्टिकर्स, और ख़ुद को मॉस्किटो से बचाओ. थर्ड थिंग, क्लोदिंग. आपको पता है इस सीजन में कपड़े सूखना इज द बिगेस्ट टास्क. प्लीज़ कुछ भी करना, आपके इनर वेयर स्पेशली आपके पैंट्स, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से सूखी हुई होनी चाहिए. नहीं शायद ऐसा लग रहा है सूख गया, अब थोड़ी सी गीली रह गई, प्लीज़ डोंट वेयर इट. अगर गीले कपड़े आपके प्राइवेट एरिया से, आपके इंटीमेट एरिया से कनेक्टेड रहे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना, बाद में खुजली आना, इरिटेशन होना, इट्स वेरी कॉमन, जो प्रेगनेंसी में इज़ नॉट वेरी हेल्दी. सो आपको बारिश के सीजन में ध्यान रखना है, आप जो भी कपड़े पहनो स्पेशली इनरवेयर्स बहुत अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए. नेक्स्ट थिंग, हमें खुद को बहुत वार्म रखना है क्या? स्वेटर पहनो, स्कार्फ पहनो, कान में रुई डालो. नो, इट्स नॉट एक्चुअली नेसेसरी. अनलेस आपको कोई मेडिकल इशू है जिसके लिए आपको करना ज़रूरी है तो प्लीज़ कीजिए, बट अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल. नेक्स्ट थिंग श्रेया, मुझे थोड़ा सा सर्दी जैसा लग रहा है बारिश के सीजन में, सो व्हाट कैन बी डन? सी, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपको बुखार भी आ रहा है, यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर. डॉक्टर को पूछे बिना कोई भी दवाई मत लेना. होम रेमेडीज आर ओके टिल दैट टाइम, जब तक आपको लगता है इशू कंट्रोल में है. जैसे सर्दी के लिए वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडीज कैबेज स्टीव. तो आप कैबेज को, मतलब गोभी के पत्तों को, पत्ता गोभी के पत्तों को बारीक बारीक काट दो, उसको उबलते हुए पानी में डालो, एक दो मिनट के लिए बॉईल करो, फिर उसको स्टीम पे से, मतलब गैस पे से उतार दो और फिर उसका स्टीम लो. दैट्स अ वेरी गुड रेमेडी आपके कोल्ड को कम करने के लिए, एंड यू विल फील बेटर. सेकेंड थिंग, अगर आप में से किसी को कफ हो रहा है, अगर ड्राई कफ है तो आप लोग चाय उबाल सकते हो जिसमें दूध मत डालना, लाइक ब्लैक टी काइंड ऑफ अ थिंग. और उससे अगर आप गागल करते हो तो उससे आपको ड्राई कफ में काफ़ी हद तक आराम मिलेगा. देन नेक्स्ट होम रेमेडी दैट वी वेरी कॉमनली यूज, अगर आपको कफ ज़्यादा है तो लेंडी पिंपड़ी. करके एक आयुर्वेदिक हर्ब होता है जो आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, उसके दो या तीन लेंडी पिंपड़ी आपको दूध में डालना है और एक कप दूध को उबाल उबाल के आधा कप करना है और फिर उसमें शक्कर डालना है और फिर वो दूध लेना है रात में सोने से पहले.
इससे भी आपका कफ काफी हद तक कम हो जाएगा. ये सारे रेमेडीज प्रेग्नेंट लोगों के लिए है. यस, इवन इफ यू आर नॉन प्रेग्नेंट यू कैन यूज दिस रेमेडीज, बट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज दिस वर्क्स वेरी गुड. आई वंस अगेन रिपीट, अगर आपको तकलीफ ज्यादा हो रहा है प्लीज होम रेमेडीज पे रिलाय मत करो. आपको प्रिफरेबली आपके डॉक्टर के पास जाके एक बार मिलके आना है. नेक्स्ट, केयर अबाउट रेनी सीजन, प्लीज बाहर का जंक फूड मत खाओ. स्पेशली रोड साइड बना हुआ जिसमें पानी बहुत यूज होता है, जैसे पानी पूरी है, भेल है, सो वो पानी फिल्टर्ड का यूज नहीं होता, कभी कभी इन्फेक्टेड होता है. बारिश के सीजन में पानी थोड़ा सा पोल्यूटेड भी आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना. रोड साइड खाना आप लोग जितना अवॉइड कर सको उतना कभी भी अच्छा है. नेक्स्ट थिंग अबाउट प्रेग्नेंट लेडीज, अगर आपके घर में किसी को तकलीफ हो रहा है, जैसे सर्दी खांसी कफ, और आपको लग रहा है कि वो आपकी तरफ फैल रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखो कि आप उस इंसान के ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में ना रहो. अगर पॉसिबल हो, वो बंदा अगर आपका फैमिली मेम्बर है, तो उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप खांसते वक्त मुँह के ऊपर हैंकरचीफ रख दो ताकि वो कम फैले. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ खाने का ध्यान रखो. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल प्रोबायोटिक्स. नेचुरल प्रोबायोटिक्स मतलब वो चीज़ें जो आप आपके खाने पीने में यूज़ कर सकते हो जिससे आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगा. शायद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरल प्रोबायोटिक्स है? वन इज़ विटामिन सी वाले फ्रूट्स. वो सारे फ्रूट्स और सब्जियाँ जिसमें से आपको विटामिन सी मिलता है, जैसे टोमेटो है, संतरा, मौसम्बा, आलू बुखार, कीवी, अमरूद मतलब पेरू, ये सारी चीज़ें, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, बेरीज, रेड पम्पकिन, इन सब चीज़ों से आपको अच्छे से विटामिन सी मिलता है. आंवला, वो बड़े वाले आंवला जो होते हैं वो, तो विटामिन सी से आपका इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहता है, आपके पेट के अंदर के बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छे से रहता है. और बहुत सारे ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं आप खट्टी चीज़ें बारिश में खाओगे तो आपको सर्दी हो जाएगी, कफ हो जाएगी, बट साइंटिफिकली खट्टी चीज़ें खाना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रांग इम्यूनिटी. सो प्लीज़ विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाओ ऑन एवरी डे बेसिस, ये आपका इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखेगा. सेकेंड नेचुरल प्रोबायोटिक्स इज दही. यस, फ्रिज में रखा हुआ खट्टा दही आपको नहीं खाना है, उससे कफ हो सकता है, बट ताज़ा लगाया हुआ दही, आप सुबह उठते ही अगर दही को सेट करते हो तो वो आपके लंच टाइम तक मतलब 1-2 बजे तक बहुत अच्छे से लग जाता है. अगर आप फ्रेश दही लेते हो तो वो भी नेचुरल प्रोबायोटिक की तरह ही काम करता है. नेक्स्ट थिंग इज हल्दी. आपके खाने में प्लीज़ हल्दी का इस्तेमाल करो. इवन लॉट ऑफ ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ में ये भी एक होम रेमेडीज़ है कि दूध लो, उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालो, थोड़ा सा घी डालो, थोड़ा सा हल्दी डालो और थोड़ा सा नमक डालो, वो दूध को गर्म करो और रात में सोने से पहले ले लो. ट्रेडिशनली इसमें नेचुरल प्रोबायोटिक यूज़ होता है, जो हल्दी है ये आपको खांसी से भी रिलीफ दिलाता है और आपको बीमार भी नहीं पड़ने देता. सो ऑल ऑफ यू प्रेग्नेंट लेडीज आउट देयर, बारिश को हम लोग नहीं रोक सकते, यस हम लोग बारिश को एंजॉय कर सकते हैं. आंखों से बारिश को देखना, बारिश में एक हाथ बार हाथ स्प्लैश करना, एक हाथ बार भीगना, द वेरी गुड थिंग. बट ये सारे रेमेडीज, ये सारा होम केयर अगर याद रखोगे तो बारिश का सीजन बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे बिना डॉक्टर के विजिट के. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय.